हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल एसपीजे जॉब्स अड्डा में। आज आपके लिए एक ऐसी जॉब लेकर आया हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब है लेकिन 10 पास आउट वालों के लिए निकली है। जी हां दोस्तों, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में निकली है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज, कोई भी 10 पास आउट इसमें अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, अप्लाई लिंक भी आपको बताएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप भी चाहते हो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, मौका है, इस मौके को कैश कर लीजिए। पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, फुल टाइम जॉब सब प्रोवाइड कराते हैं, तो साथ में हमें डिमांड आएगी सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। तो चलिए आज हम आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं जो लेटेस्ट यहाँ पर निकली है। यहाँ पर सिक्योरिटी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की जॉब यहाँ पर है, इसे हम MTS भी कहते हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ। और ये एलिजिबिलिटी है इसकी मात्र 10th पास आउट, कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडिया के किसी भी कोने से। सबसे बढ़िया बात यह है, यहाँ पे जो अप्लाई डेट की मैं बात करूँ तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अगले दिन, कल से स्टार्ट हो जाएगा 5 नवंबर से, और लास्ट है इसकी 25 नवंबर, यानी कि 20 दिन का टाइम केवल आपको मिला है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो करीबन जनवरी लास्ट या फरवरी में एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। फीस की बात कर लेते हैं, जनरल OBC EWS की फ़ीस यहाँ पर 450 रहने वाली है, SC ST के लिए 50 रुपये, और अदर जितनी भी ऑल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी 50 रुपये यहाँ पर आपके लिए फ़ीस रहने वाली है। तो मैं तो कहूँगा गर्ल्स, यू हैव अ चांस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th आफ्टर 12th, मस्ट अप्लाई देयर। एज की बात कर लेते हैं, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25, क्योंकि दो वैकेंसीज हैं, एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की, और वैकेंसी भी भर भर के निकली हुई है, 1521 वैकेंसी है, बहुत टाइम के बाद आई है। कंप्लीट बात करेंगे सैलरी और एलिजिबिलिटीज, एग्ज़ाम हर एक चीज़ की, मैं नोटिफिकेशन ऑफिशियल लिंक मेरे पास आ चुका है, ये देखिए आप, सब बताऊंगा मैं। तो पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की, सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी 1521 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी 150 है। कोई भी 10th पास आउट अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा इसके नोटिफिकेशन की तरफ। पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके लिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की सैलरी है वो 21,700 से 69,100 रुपये तक रहने वाली है, यानी कि सैलरी 30-40 हज़ार से स्टार्ट आपकी होगी। और अगर आप MTS की बात करें तो 18,000 से स्टार्ट होगी और 56,900 तक आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा पे स्केल की बात करें, 20% बेसिक पे का गवर्नमेंट अलाउंस यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये अलग से आपको यहाँ पर देखना होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो जो पहला टायर वन है, टायर वन समझते हो, पहला जो एग्ज़ाम है उसे टायर वन कहते हैं, और उसमें आपका यहाँ पर एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स यहाँ पर आपके रहेंगे, 20 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1 घंटा, 1 घंटे में आपको सोल्व करना है। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो आते हैं जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, थोड़ा सा यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ यानी कि थोड़ा सा GS। और यहाँ पर याद रहे 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रहे। पहला टायर में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद टायर टू में आपको यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चुननी है अपनी, और रिटर्न एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको ठीक है, टायर थर्ड की अगर बात करें तो एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर से अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। एंड मैं यही कहूँगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है, बहुत समय के बाद अपॉर्चुनिटी आई है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और जाके अप्लाई करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।